डियर स्टूडेंट्स, मैं रमेश मिश्रा, डायरेक्टर सुपरमाइंड क्लासेस, बीएनपीएन इंटर कॉलेज मुगराबाद शाहपुर जौनपुर। हम आज आपको फ्यूचर कंडीशन का यूज पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग पैसेज में होता है। फ्यूचर कंडीशन के दोनों वाक्यों में, दोनों प्रकार के क्लाज में ग और ग का प्रयोग रहेगा और इसमें यदि या अगर शब्द रहेगा। शुरुआत में यदि या अगर, पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये शर्त सूचक वाक्य है। यदि राम पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा, यदि राम पढ़ेगा, शर्त यही है, कंडीशन यही है, यदि राम पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा, यदि राम नहीं पढ़ेगा तो वह फेल हो जाएगा। तो शर्त यही है, यदि राम पढ़ेगा। यदि या अगर का ट्रांसलेट हो गया इफ। राम पढ़ेगा यही कंडीशन है, यदि राम पढ़ेगा यही शर्त है, यही जो कंडीशनल सेंटेंस है यही प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। राम पढ़ेगा हो जाएगा, राम पढ़ता है, राम रीड्स, तो के लिए हम कामा लगाएंगे तो पास हो जाएगा, मतलब राम ही पास हो जाएगा। तो राम के लिए कर्ता आ जाएगा, ही सब्जेक्ट ही हो गया, वह पास हो जाएगा, ये फ्यूचर ही रहेगा, ही विल पास। कहने का तात्पर्य हुआ विद्यार्थियों कि दोनों सेंटेंस में राम पढ़ेगा ये भी फ्यूचर है और राम पास हो जाएगा ये भी फ्यूचर है, दोनों तरफ गा है। लेकिन कंडीशनल वाले फ्यूचर इंडिफिनिट को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में बदल देंगे और दूसरे वाले को फ्यूचर ही रहने देंगे। फिर आइए हम देखते हैं, ये सेंटेंस है, यदि तुम आओगे तो मैं स्कूल जाऊंगा। दोनों सेंटेंस में पहले तो यदि है, अगर यदि या अगर ये कंडीशनल कंडीशन बना रहा है। तुम आओगे ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, मैं स्कूल जाऊंगा ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट है। शर्त यह है कि यदि तुम आओगे, यदि का ट्रांसलेटिव हो गया तुम आओगे, यही शर्त है, तो तुम आओगे वो फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट को हम बना लेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तुम आओगे हो जाएगा, तुम आते हो, ता है ती है, यू री यू कम, इफ यू कम, तो के लिए कामा, मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। अब आप शैल के बजाय विल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बात पर जोर दिया जा रहा है। यदि सीता पकाएगी तो मैं खाना खाऊंगा, यदि क्या हो गया इफ, देखिए सीता पकाएगी इधर भी ग है, मैं खाना खाऊंगा इधर भी ग है, दोनों तरफ ग ग अक्षर आ रहा है, इसका मतलब है फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कंडीशन है। तो यदि का इफ हो गया, सीता पकाएगी, ये इसका यही शर्त है, यदि सीता खाना पकाएगी तो मैं खाना खाऊंगा, सीता पकाएगी यह शर्त है। और यही शर्त सूचक जो वाक्य होता है, जो उपवाक्य है, क्लाज है, इसको हम बदल देंगे, फ्यूचर टेंस को बदल देंगे प्रेजेंट इन, फ्यूचर इंडिफिनिट को हम बदल देंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में। सीता पकाएगी का हो जाएगा सीता पकाती है, इफ सीता कुक्स, तो के लिए कामा, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट द फूड। थैंक यू।